अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादियलह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي مرشدي ومولاي دامت فيوضهم الكرسيه वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम ज़ेब सज्जादा व जानशीन सिलसिले आलिया याकूबिया मद्दतिल्लुल आली खुलफाए इज़ाम उलमाए किराम बिरादरान तारीख अल्लाह जल्ला शानहु व अम्मा नवालहु का भी इंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बे इंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें आज इस सालाना छः रोज़ा महफिलों में हमें अल्लाह के वली ख़ास के कदमों में जगह अता फरमाई। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए किराम के दरमियान तकदीर के मसाइल को बयान फरमाया कि तुम्हारी हर शय तकदीर है, सहाबाए किराम को तश्वीश हुई कि हमारी तकदीर तो जो होना है वो तय हो चुकी है, अब हम क्या करें, आगे हमारे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है।
इसका इजहार भी सहाबाए किराम ने फरमाया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बड़े अजीब तरीके से तसल्ली दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से ये मुश्दा सुनाया कि तुम अपनी तकदीर को मत देखो, तकदीर का मुलाहजा करने का वक्त आए तो अपनी तरफ मत देखो, ये देखो कि लिखने वाला कौन है। तकदीर किसके हाथों का लिखा हुआ है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि कुल मुयस्सर लिमा खुलिक लहू, हर आदमी के लिए अल्लाह तबारक व ताला वो काम आसान कर देता है जो अल्लाह उसके तकदीर में लिखता है। जब हम कुछ नेक काम करने के लिए सोचते हैं या अल्लाह के बारगाह से हम वाबस्ता होने का ख्याल करते हैं या अल्लाह दीन के तरफ हमारे रास्तों को खोलता है तो उसका मतलब ये है, उसकी अलामत ये है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मुकद्दर में अपनी माइयत या अपना कुर्ब दे रहा है। जिस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला अपने नेमत से सरफराज करना नहीं चाहता तो उस नेमत को हासिल करने के रास्ते भी नहीं खोलता। ये अल्लाह तबारक व ताला की शान है। अब जो हम यहां अल्लाह के हौल कुव्वत से हाजिर हैं, क्या अल्लाह हमें महरूम करने के लिए यहां बुलाया? अगर हमें महरूम करना चाहता तो हमें यहां नहीं बुलाता था। महरूम रखना चाहे तो ये रास्ते, ये महफिलें, ये संगतें अल्लाह ताला नहीं देता। अल्लाह ताला चाहता ये है कि हमें कुछ अता फरमाए, हमें कुछ नवाजे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शाह फरमाते हैं, लौ कुंतु ताजिरन लतजरतुल इत्र, अगर मैं ताजिर होता किसी शय का तो मैं इत्र की तिजारत करता, कुछ कारोबार करता तो इत्र का कारोबारी बनता, इत्र बेचता। इन्फातन रिबहु, अगर मुझसे फायदा छूट जाए, फायदा कुछ भी न मिले, माफातन रिहु, अगर मुझे फायदा कुछ भी ना मिले, इतर की बोतल भी मिलते रहेगी, उससे तो मैं महरूम न जाऊंगा, उसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। एक शख्स सेब बेच रहा है, अगर वो एक सेब उठाकर खा लेगा तो एक सेब कम हो जाएगा। ताजिर जो तिजारत इतर की करता है, वो इतर किसी को न भी बेचे, कोई उसका गिराक ना भी आए, तो वो खुद ताजिर उस इतर से फायदा उठाएगा। ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले ईमान की सिफत बयान की, जिनकी सोहबतों में बैठने से, जिनकी संगतों में बैठने से अल्लाह तबारक व ताला इंसान को बहुत नवाजता है। लेकिन एक शर्त है उसमें, एक बात जरूर है, इसका तो इनकार नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो शख्स महरूम नहीं है। अगर किसी की नाक ही खराब हो फिर उसके लिए कोई बात हुज्जत नहीं है। बंदा अल्लाह तबारक व ताला को एक नेमत देता है तो वो चाहता ये है कि मैं अपने बंदे के अंदर उस नेमत को देखूं। सरकार दो आलम सबने शायद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अल्लाह ये पसंद फरमाता है, ये चाहता है कि बंदे पर जो मैं नेमत कर रहा हूं उस नेमत के असर को उसके ऊपर देखूं।
नेमत देता है तो फिर उसके बाद ये देखता है कि ये नेमत जो मैं उस पर कर रहा हूं, अब बंदे से ये तकाजा करता है कि बंदे जरा उस नेमत को अपने अंदर उजागर कर। मसलन अल्लाह ने हमें लिबास अता फरमाया तो वो चाहता है कि मैं इस लिबास को मेरे बंदे के जिस्म पर देखूं। अगर बंदा उस लिबास को ना पहने तो फिर वो परवरदिगार नाराज हो जाएगा कि मैंने किस बात पर नाराज होगा, मैंने तुझे इस काबिल समझा कि तू ये लिबास पहनेगा तो अच्छा मालूम होगा, मगर तूने इस लिबास को इख्तियार नहीं किया। मैंने ये नेमत जो तुझको दी है, मैं ये चाहता हूं कि ये नेमत तेरे शाया निशान है। अब बताएं ये महफिल जो हम हाजिर किए हैं, यहां जो हम हाजिर है अल्लाह के हौल और कुव्वत से, अल्लाह चाहता है कि इस महफिल से जो नेमत अल्लाह के कुर्ब और मैयत की तकसीम हो रही है, अल्लाह के रिजा की नेमत जो तकसीम हो रही है, अल्लाह की मारिफत की जो नेमत तकसीम हो रही है, अल्लाह चाहता है कि बंदे के जात में इन नेमतों को देखे, बंदे के अंदर अल्लाह की कुर्ब को देखे, बंदे के अंदर अल्लाह के मैयत के इस्तेहजार को देखे, बंदे के जिंदगी में अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह के मंशा को, अल्लाह के मुराद को देखे। अल्लाह ये चाहता है। नेमत देने के बाद अल्लाह ताला ये चाहता है अगर बंदा इसको ना उठाए तो उसकी आदत है وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, अगर तुम मेरी नेमतों का लिहाज नहीं करेंगे उसके बावजूद भी तुम्हें घटिया चीज ही पसंद आए, हम तुम्हें वहां से हटा देंगे, उस नेमत को हासिल करने के लिए किसी दूसरे कौम का इंतखाब कर लेंगे, किसी दूसरे कौम का हम इंतखाब कर लेंगे। सहाबा इकराम अंसार सहाबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बहुत सारे मुजाहदों को पेश किए, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया फतह मक्का जब हो गया, जोक दर जोक लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो आखिर में जो अंसारी सहाबा इस्लाम कबूल किए और जो नौजवान थे जिनमें से आराब के लोग बहुत ज्यादा है, उन्होंने उनके दिल में यह बात आ गई कि हमने इस्लाम और सरकार दो आलम सलम पर एहसान किया, हम सरकार को मदद किए, सरकार दो आलम सलम मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर आए तो हमने सरकार की मदद की, फिर इस्लाम आज तक फैला, हम जंग किए उनके लिए, हर तरह से उनके मदद में शामिल रहे। अल्लाह को यह बात नागवार गुजरी, अल्लाह ताला को नागवार गुजरी। हुनैन का मौका था सर, जब उससे पहले फतह मक्का हो चुका था, हुनैन के जंग में मक्के के जो कबाइल थे कुरैश थे वो सारे हुजूर के मातहत हुजूर के जेरे फरमा जंग कर रहे थे। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर चुके थे, खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल कर चुके थे, ऐसे बड़े बड़े जो कुफार की तरफ से सरदार थे वो सारे इस्लाम कबूल किए। हुनैन की जंग जब हुई तो हुजूर ने उस माले गनीमत को कुरैश में तकसीम कर दिया, कुरैश में तकसीम फरमा दिया हुजूर ने। तो जो आखिर में ईमान लाए थे अंसार, वो जो नौजवान थोड़े छोकरे थे, उन्होंने अपने हाथ में आपस में बात करना शुरू की कि भाई सर ये लोग तो कुरैश अबू सुफियान वगैरह परसों ईमान लाए थे, सरकार ने माले गनीमत सब उनको तकसीम कर दी, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, अब हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं है, अब सरकार अपने खानदान वालों को सब देंगे, हमें कुछ नहीं देंगे। ये बात हो रही थी, ये रिवायत सही बुखारी में है। जब ये आपस में ये चेमी गोया होने लगी तो हुजूर ने तलब फरमाया कि लोगों को जमा करो, कुछ बात करना है। मिंबर मंगवाया, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए आकाए दो जहां, और हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि लोगों मैं अंसार से मुखातब हूं। अंसार वो जो मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के मुंतजिर थे, हुजूर आने के बाद उनकी मदद के लिए तैयार थे। जब उन्होंने ये सरकार ने द्वार में फरमाया कि अंसार सामने आ जाओ, वो सामने आ गए, बड़े खुश थे कि भाई सरकार हमें सामने बुलाए, तो फिर फरमाया कि मैं ये क्या सुन रहा हूं,
कि तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे पनाह दी, तुमने मेरे साथ जंगे की, तुमने मेरे साथ जानी माली बदनी हर तरह की कुर्बानी दी। हां, तुम्हें यह कहने का इख्तियार है, तुम कह सकते हो कि मेरा कोई ठिकाना नहीं था, तुमने ठिकाना दिया। मैं जंग में बेसरो सामा था, तुमने मुझे मेरी मदद की। जरा ये तो भी गौर करो, अलम अजिद कुम दुल्लालन फहदाकुम अल्लाहु भी। तुम भूल गए हो इस बात को कि तुमने मुझे मदीने में पनाह दी है, तुमने मुझे जंगों में मदद की है, तुम मेरे पास आने वाले मुहाजिरीन के भाई बने हैं। हर बात कहने का इख्तियार है, मगर ये सोचो कि मेरे आने से पहले तुम क्या थे। अलम अजिद कुम दुल्लालन, क्या तुम जुल्मत की सख्त गुमराही में न थे, तुम अपने मौला से दूर थे। क्या अल्लाह की ये नेमत तुम पर कम है, ये नेमत कम थी कि अल्लाह ने मेरे वसीले से तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। फहदाकुमुल्लाहु बी, कुरान फिर उतरता है, यमुन्नूना अलैक असलमू, ऐ महबूब ये लोग आप पर एहसान जतलाते हैं कि इन्होंने आपकी मदद की है। इनको कह दें कि कुल्ला तमन्नु अलैय इस्लामकुम, इनसे कह दे कि इनको एहसान जतलाने का कोई हक ही नहीं है, ये हमारा उन पर एहसान है कि हमने अपने महबूब की मदद के लिए, अपने महबूब की नुसरत के लिए, अपने महबूब की संगत और रिफाकत और सोहबत के लिए ऐसे नफूस को इख्तियार किया है। हम चाहते तो पत्थरों से भी मदद ले लेते थे। हमें हर शय से मदद लेना आता है, हम अबाबील परिंदों से भी हम मदद ले लेते हैं, हमें किसी शय की कोई जरूरत नहीं है। हम जिसको जिस पर नजर करते हैं जहर को भी हम कीमिया बना देते हैं। मगर इनसे पूछो को अल्लाह का इन पर एहसान है कि इनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी ईमान की। बंदा दीन की तरह हम कुछ नेक अमल करते हैं तो हम ये समझते हैं मैं तो ये नेक काम कर लिया, जैसे ही वो समझे वो बात होती की खत्म हो गई हमारी रात वाली सोहबत, क्या असरार हमारे सामने थे। अल्लाह की कसम वो शेर बारहा याद आ रहा था, एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतर सदसाला ताते बेरिया, एक साथ अल्लाह वालों की सोहबत ने बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। क्या मतलब है, थोड़ी देर के लिए जब हम बैठे वो असरार जो बयान किए जा रहे हैं कि तकवे की तमीज क्या है, तकवा क्या चीज है, उस लम्हे के लिए भी वो इस्तेहजार आ जाए, हजारों लैलतुल कद्र उस लम्हे पर कुर्बान। जहां मौला बंदे से मिलता है और ऐसा मिलता है कि बंदे का अपना ख्याल जाता रहे, तो वो लम्हा लैलतुल कद्र से भी अफजल है उसके लिए, ये वो लम्हा होता है। वो अब हदीसे बहुत सारे हम सुनते हैं कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उसके नामे आमाल में सारे गुनाह ही गुनाह है, एक नेकी रख दी जाती है सारे गुनाह हल्के, ऐसे जो हादिस आते क्या मफहूम है, नेकी एक है गुनाह ज्यादा है, भाई तोल कैसे हो गया। इस्लाम सरों को गिनकर नहीं देखता, तोल कर देखता है। इस्लाम में वजन तेदाद की नहीं है, वजन कैफियत की है। वो एक भी बंदा रहे, इसीलिए सरकार दो आलम इशारा फरमाते हैं कि जमीन पर एक भी अल्लाह वाला रहे, एक भी मौला के साथ रहे, एक भी ईमान वाला रहे, तो ये जमीन और आसमान का शामियाना कभी खत्म नहीं होगा। आसमान सलामत, जमीन सलामत, हर शय ये सारी कायनात को वो एक बंदे के खातिर मैं बाकी रखूंगा कि मेरा एक मोमिन बंदा है जो मुझे जानता है पहचानता है मेरे साथ रहता है, वो एक ही मेरे लिए काफी है कि उस एक के सदके में उस वक्त रहने वाले मशरिक से मगरिब तक के सारे काफिरों की परवरिश करता हूं। मोमिन खुद पलना चाहता है, अपने खुद परवरिश की फिक्र करता है कि मैं कैसे पलूं। अल्लाह तो ये एजाज दे रहा है, आखाए दो जहां के जुबान अकदस से ये मुजदा सुना रहा है, ए मुसलमान, ए वो ईमान वाले, तुझे अपने रिस्क की फिक्र तो दूर की बात है, मैं सारी कायनात को तेरे सदके से रिस्क देता हूं। ये कुफार जो गुनाहगार है क्यों खा रहे हैं,
ये हुकूमत क्यों कर रहे हैं? कसम बखुदा ये मोमिन का सदका खा रहे हैं। अल अब्दाल अरबाउन कुल्लुहुम फी शाम वबिहिम तुमतरून वबिहिम तुनसरून। इनके बदौलत अल्लाह तबारक व औलिया अल्लाह जब तक जिंदा रहते हैं, इनके बदौलत बारिश का एक कतरा भी गिरता है तो उसकी अलामत है कि एक ना एक ईमान वाला इस जमीन पर जिंदा है। वरना अल्लाह तबारक व ताला जब ऐसे लोग हट जाए, आसमान बरसना छोड़ देगा, जमीन हरियाली उगाना छोड़ देगी, रिस्क तकसीम होना छोड़ दे, फरिश्ते मामूर है वो सारे खत्म हो जाए, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला फिर इंसान को मोमिन को रिस्क कौन सा हासिल करना चाहिए? बात तो ये होती है कि सारे कुफार को जो रिस्क मिल रहा है मोमिन को भी वही रिस्क है, मोमिन को भी वही रिस्क है। एक मेहमान खुसूसी होते हैं, एक आम लोग होते हैं, उनके लिए अलग दस्तरखान होता है, उनके लिए दस्तरखान अलग होता है। जो बाहर के आम लोग हैं उनके लिए अलग दस्तरखान होता है। भाई दस्तरखान क्यों फर्क है? इनको भी भूख है, उनको भी भूख है, दोनों भी दावत में शामिल है, दोनों भी दावत में शामिल है। अब मिसाल ले ले, एक शादी हो रही है, नौशा के लिए प्लेट अलग है, कुर्सी अलग है, खाना अलग है, सारे उसको खिलाने में लगे रहते हैं, भाई ये खाओ ये खाओ। उधर से वो आयश अखारी आ जाते हैं, उधर से वो दोस्त आ जाते हैं, उसको खिलाते हैं, तो भाई ये एक ही दावत ही है, कोई और नहीं है। इसके वजह से तुम सबको बुलाया गया है। ये एक जो नौशा है ये इंसान मोमिन है तो ये नौशा है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, इल्ला अल्लाह इसको कह रहा है कि इसकी दावत थी असल में, लेकिन इसके दावत में इसको देखने के लिए जो आ गए थे वो सब मालामाल हो रहे हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, ये खाकर जब बचा देता है तो क्या किया जाए? सबको खिला दिया जाए। मोमिन ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिला है, काफिर ये देखता है कि मेरे पास पैसा है, मैं कौन सी बिरयानी खाया, क्या खाया वो देखता है। मोमिन फकत ये देखता है कि मैं जो कुछ हूं मौला के हाथ से खा रहा हूं। बतला दिया गया कि ईमान वाले और बेईमान में फर्क ये है कि बेईमान भी खाता है, ईमान वाला भी खाता है, काफिर भी अल्लाह का रिस्क पाता है, मोमिन भी अल्लाह का रिस्क पाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोमिन जब हाथ निवाला उठाता है तो उसके अंदर ये ख्याल होता है आकाए दो जहां ने तरबियत दी है वो अल्लाह का नाम लेकर खाता है कि मैं खा नहीं सकता मौला, तेरी कुव्वत से खा रहा हूं, तेरा दिया खा रहा हूं, तेरे महबूब का सदका खा रहा हूं। तकवा इसी का नाम है। बंदे को अपनी पहचान हो कि मैं कौन हूं, मैं मजबूर कैसा हूं, उसको इसका इस बात का इदराक हो जाए और इसका यकीन हो जाए, फिर क्या होगा? यजअल्लाहु मखरजा, उसके लिए खुसूसी दस्तरखान है। यजअल्लाह मखरज का मतलब निकलने की जगह, रिस्क जहां से निकलता है वो शायद ये चीज कहीं भी नहीं दुनिया में, उसके लिए वो चीज देता हूं। अब इसकी मिसाल देख ले, आज तक सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी मोहतरमा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को ऐसे वादी में छोड़ दिए जहां पर बेआबो गया। क्या तारीख ने इस मैदान का नक्शा खींचा है? अल्लाह को क्या मंजूर था, क्या असरार है उस जमीन पर जहां पानी का कतरा, इंसान तो इंसान जानवर भी जहां रहना पसंद नहीं करता, सियाह पहाड़ हर तरफ, ऐसे माहौल में छोड़ने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। ये वाकया हमारे लिए आज इंतहाई सबक आमोज है। सिर्फ ये खास महीने के लिए नहीं, बीवी को और बच्चे को दोनों को छोड़ दिए, जिसकी फिक्र आज हमें हर आन लगी रहती है, हर आन लगी रहती है। अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहा है कि इब्राहिम छोड़ के आ जाओ। वहां छोड़ दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छोड़कर वापस आ गए, अपने ऊंट को पलटा लिया, बात तक नहीं किए, बात भी नहीं किया। क्यों? बात करूंगा मोहब्बत का इजहार कहीं ना हो जाए, मखलूक के हक में मोहब्बत का इजहार ये अंबिया के नजदीक कुफ्र और शिर्क था। पलट गए, माई पीछे दौड़ने लगी कि सरताज 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 मुझे कहां छोड़े जा रहे हैं। भागते भागते रिवायात में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हाजरा अलैहिस्सलाम
3 मील तक आपके पीछे भागती गई। भागते भागते अब देखा कि आगे आ गई, ऊंट के आगे आकर नौकेल पकड़ कहने लगी, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? खामोश इब्राहिम अपने चेहरे को दूसरी तरफ पलटाए हुए हैं, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं है, देखूंगा तो मोहब्बत की नजर दो चार ना हो जाए। क्या तमीज है अब्द और रब के मसले में, मखलूक को जरा बराबर लम्हे के लिए भी उनके मंशा को नफ्स के मसले को आने की गुंजाइश भी नहीं है। ये बात हुई तो जवाब कुछ भी नहीं है। आखिर में ख्याल आया कि भाई ये तो नबी है, इतना बताइए कि आप किसके हुक्म से छोड़ रहे हैं, अपने हुक्म से छोड़ रहे हैं या मौला के हुक्म से? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाँ मैं अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहा हूं। ये कहना था आखाए दो जहां फरमाते हैं कि अम्मा ने उस नुकैल को जो हाथ में पकड़ी हुई थी छोड़ दिया और कहा फलन युदय्यान अल्लाह। अब तक जो कैफियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाजरा के साथ थी कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देख रहे थे, अब हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसी तरह नुकैल को छोड़ दिया, अपने रुख को मोड़ लिया। आपको यह बात अल्लाह का हुक्म मालूम था, आप रुख को मोड़े हुए थे, जिस तरह आप अपने रब के बंदे हैं मैं भी उसकी बंदी हूं, आप अपने रब का हक अदा कर रहे थे, उसके राबते को बहाल रख रहे थे, मैं भी तो उसकी बंदी हूं, आज मैं भी उसके राबते को बराबर करने के लिए आई हूं। नुकेल को छोड़ दिया और पलट कर भी नहीं देखा। फिर कब आएंगे, कब तक यहां रहना है, कहां बैठूं, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं पूछी अल्लाह। अब देखिए यजअल्लहु मखरजा का मिज़दाक निकल रहा है, वज़ूफा खत्म हो गया, सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम बशीर खार थे, जमीन पर रख दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया। जब अज़ूफा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो सफा की तरफ अब पानी की तलाश थी, एक जाहिरी बात है, पानी की तलाश थी, सफा से मरवा की तरफ, मरवा के सफा की तरफ दौड़ रही थी। अल्लाह की कसम हाजरा पानी की तलाश नहीं कर रही थी, क्यों? उनकी नजर तो मौला पर थी, अपने शौहर को भी छोड़ के जाने के बाद पलट कर नहीं देखा, ये बात उनके अकीदे के खिलाफ है कि वो पानी को तलाश कर रही थी, वो मखरज को तलाश कर रही थी। ومن يتق الله يجعل له مخرجا जो अर्दा कह रहा है, ومن يتوكل على الله فهو حسبه कह रहा है, जो बंदा मेरे खातिर मेरे जात पर भरोसा करके मुझसे तकवे का राबता कायम करके टिक जाता है, टहल जाता है, और यहां तक कि मखलूक के हर ताल्लुक को अपने से तोड़ बैठता है, तो हम उसके लिए ऐसे मकाम से रिस्क देते हैं कि सारी दुनिया हयात में रहेगी और रहती दुनिया तक उसे फैजान हासिल होगा। ये बतला दिया। जब वो चले गई वहां, अब सफा से मरवा की तरफ तलाश कर रही थी, कभी सफा की तरफ जा रही थी पहाड़ी के और देख रही थी, कभी मरवा की तरफ आकर उधर देख रही थी, क्या देख रही थी? मौला तेरा वादा है कि तेरे जात पर भरोसा करने वाला बेकार नहीं होता, उसको तू जलील नहीं करता, उसको तू रुस्वा नहीं कर सकता, आज तेरे उस करामत वाले रिस्क के जुहूर का वक्त है, मैं तेरी मदद को तलाश कर रही हूं कि मदद सफा से आ रही है या मरवा से आ रही है। नुसरत आख, वो रिस्क जो अल्लाह का बागरामत मिलने वाला है मुतवक्किल को, उस रिस्क को सफा की तरफ तलाश कर रही है, मरवा की तरफ तलाश कर रही है। अल्लाह ने उनके वहमो गुमान से भी बढ़कर दे दिया। हाजरा, कहां सफा की तरफ देख रही हो, कहां मरवा की तरफ देख रही हो? मेरा तो वादा यह है उस मकाम से वो रिस्क दूंगा, किसी के वहम में ना आए, जाओ इस्माइल के कदमों में देखो, पहाड़ी के पास आएगा तो कहां से लाएगी, मरवा के पास वहां से कहां लाएगी, वहां से निकाल दिया पानी, पानी निकल गया, पानी तो आ गया। जब पानी उबलने लगा, वो पानी की कैफियत ये थी, अल्लाह ताला ऐसा पानी उबाल रहा था, अब तक एक खतरा पानी नहीं था, अब इतना दे रहा है कि उनको खुद कहना पड़ा कि पानी रुक जा, बस है रुक जा, रिस्क इतना वाफिर हो गया कि रिस्क को भी इतना कितना और कितना दोगे और बस है, बंदे को बस कहना पड़ेगा, अल्लाह उतना देगा जब बंदा अल्लाह की तरफ आता है। अब फिर क्या हुआ, वो जो सरकार दो आलम की हदीस है, एक मोमिन जब अल्लाह के जात पर भरोसा करके तकवे के साथ
उस पर तवक्कुल करके उसका लिपट कर हर चीज को दूर कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उसको नहीं देता, उसके सदके में सारी कायनात को देता है। आज तक वो पानी सदके के तौर पर बट रहा है। जमजम का हुक्म एक बार आपने फरमाया, आज तकरीबन 4,500 साल हो गए इस वाकये के गुजरे हुए। आज तक हाजर अली सलाम की वफात हो गई, सारा मक्के का नक्शा बदल गया, बगैर हजरत हाजर अली सलाम के जो जमजम का फैजान था वो आज तक भी जारी है। आज तक भी जमजम उबलता है मगर बहकर नहीं जाता, वहां थम जाता है। फैजान इसका नाम है। एक बंदा कोई काम करता है, अल्लाह उसके सुन्नत को जारी करता है। आज जो हम यहां बैठे हैं, हमारे दादा पीर का सदका, उनके गुजरे 28 साल, अब गुजरे किस मुंह से कहेंगे, हाजरा के गुजरे हुए किस मुंह से कहेंगे। जिसका हुक्म चल रहा हो वो चला जाए ये नामुमकिन बात है। जिसकी सुन्नत को बाकी रखता है, सुन्नत का बाकी रहना उसके जात के भी जिंदा रहने की अलामत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का मंशा है। ومن يتق الله يجعل له مخرجا, बंदा तखवे को इख्तियार करे। तकवा क्या है और वो शय क्या है? वो शय जो ताल्लुक हम मखलूक से बांधे हैं उसको मौला से बांधो। जो ताल्लुक हमने, अब जो औरत हमसे अख्त करने के बाद उसके ख्याल में हमेशा यही रहता है मैं कैसे खाऊं। अब एक बात फैसले की तस्वीर के साथ करेंगे। जब भी हम ये बात सुनते हैं शेख से कि भाई अल्लाह को रिस्क देने के लिए तुम्हें नौकरी करने की क्या क्या जरूरत है, ये बात समझ में आ रही? नौकरी करने की जरूरत नहीं है रिस्क के लिए, मेहनत करने की जरूरत नहीं है रिस्क के लिए, ये बात इसका तस्वीर होना चाहिए। अब हर एक के जहन में यह ख्याल है कि हमें नौकरी छोड़ देना, इसके बगैर अल्लाह कैसा देगा। अब उसमें इस्लाम को भी लाते हैं, भाई इस्लाम ने खुद तिजारत करने का हुक्म दिया है, क्या तिजारत करना नाजायज है, मजदूरी नाजायज है? बहस ये नहीं है, बात ये नहीं है। दर्द हमारे घुटने में है, हम सर के दर्द की गोली खा रहे हैं। फैसला ये है ईमान वाला उसके नजर में क्या बात होनी चाहिए। असबाब बात की बात, पहले ये तस्विया करे क्या अल्लाह बगैर सबब के रिस्क दे सकता या नहीं, इस बात पर अल्लाह कादिर है या नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि रिस्क अल्लाह ही देता है, रब तो अल्लाह ही है, मैं ये नहीं कर रहा तो अल्लाह कैसे देगा, जब ये ख्याल आता है तो इसका मतलब इस ख्याल से खुद ब खुद हमारा राजिर वो हम वो चीज हो जाती है जिसके जरिए से हम रिस्क हासिल करना चाहते हैं। वो जरिया, इसके बगैर मुझे रिस्क नहीं मिल सकता, हमारे जहन में जो बात बैठी हुई है, इससे तिजारत नहीं करना कारोबार, इसके नफी नहीं है। काफिर भी यही नजरिया लेकर जाता है। बता तो ये रहे हैं हजरत क़िबला ने जब बताया कि काफिर और मोमिन में फर्क क्या है, ये भी खाता है वो भी खाता है, मोमिन भी कारोबार करता है काफिर भी कारोबार करता है, मोमिन भी शादी करता है काफिर भी शादी करता है, उसके भी बच्चे हैं उसके भी अहल आयाल है मोमिन के भी है, फर्क क्या है? फर्क क्या है? काफिर की यह पहचान की आफाक में गुम है, काफिर की यह पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की यह पहचान कि वो गुम उसमें है आफाक, गुम उसमें है आफाक। दुनिया आती है तो उसमें फना हो जाती है। काफिर क्या है? वो दुनिया में फना होता है, दुनिया को समेटता है, वो दुनिया की तरफ पलटता है कि मुझे ये होना, हर शय को देखता है तो उसको राजी समझता है। मोमिन जिस शय को भी देखता है उसको मजबूर और मोहताज समझता है। ये मेरे लिए पैदा की गई है, साफ के दे खलक लकुम माफी लौड़ दी जमीआ, ऐ इंसान जो कुछ, ये इंसान से या अय्युह नास के खिताब से ये बात हो रही है, काफिर मुसलमान की तख़सीस नहीं है। खलक लकुम, लकुम लाम फायदे के लिए है, अल्लाम लिल फायदा, तुम्हारे फायदे के लिए हमने जमीन में हर जर्रा भी है तो तेरे फायदे के लिए है, इंसान के लिए अल्लाह कह रहा है माफी लौड़ दिया। वल अनआम खलकहा लकुम, ये चौपाए तुम्हारे फायदे के लिए, लकुम फीहा दिफ़ व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, उनके दूध तुम्हारे लिए है, उनका चमड़ा तुम्हारे लिए है, बहुत सारे उनका गोश्त तुम खा सकते हो। एक एक चीज को गिन कर रख दिया, ये आसमान ये सितारे ये सारे तुम्हारे लिए है,
क्या इंसान इतना बड़ा है? हम अपने मर्तबे को भूल गए, हम अपने मर्तबे के लिए एक मर्तबे को भूल गए, जिस शय को भी देखते हैं अपने से बड़ा समझते। हम ही बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारी आमद के लिए अल्लाह सारी दुनिया को सजा के रखा। इंसान खातिमे मखलूक है, इसके बाद कोई मखलूक पैदा नहीं हुई। क्या मतलब है इसका? इसके लिए सारी मखलूक पैदा की गई है कि ये सारे तुम्हारे लिए, इसीलिए मुसक्कर कर दिया, ताबे कर दिया, मुताबे कर दिया। बड़े से बड़े जानवर को, बड़े से बड़े जानवर को, छोटा बच्चा उसके गले में रस्सी पकड़ डाल के लेकर चले जाता, वो जानवर की इतनी अकल नहीं है कि ये छोटा बच्चा मुझे ताबे करा है, मुंडी यूं पलटा दिया तो वो किधर का किधर हो जाता। अल्लाह ताला उसके जहन को ताबे कर दिया, तुझे वो मुंडी हलाने की जरूरत नहीं है, तू इसके ताबे। क्यों ताबे किया, क्यों ताबे किया? बंदे मैं इसको ताबे कर दिया, तू इसकी फिक्र मत कर, इससे रिस्क मिलता नहीं मिलता तू इसकी फिक्र मत कर, मैंने तो इसको ताबे कर दिया है, तू ये देख के राजिश कहां है, ये तो तेरे ताबे है ही है, अल्लाह ने पैदा ही हमारे लिए किया है। जैसे हमारी शादियों की, शादियों में जो हमारी दावतों की हालत होती, हमें दावत में बुलाया गया फिर भी हम खाने के लिए कितने बेचैन रहते, मिलता कि नहीं मिलता बोल के। अब बचपन से लेके पचपन वाले सारे उसके लिए भागते हैं। मेजबान की तौहीन है, और मेजबान भी ऐसे ही है, मेजबान पास बेचारा मजबूर है, मोहताज है, वो खाना खत्म हो गया तो क्या कर सकेगा? खाना खत्म हो गया तो कहां से लाएगा? मजबूर और मोहताज जब मेजबान बनता है तो ये हालत होती है। जब मुख्तार मेजबान बने तो वो वादा करता है कि मेहमान तू जरा अपने हालत को संभाल के आ, मेरे इज्जत का ख्याल करके आ, मेरे इज्जत का लिहाज रख के आ, तो क्या होगा, मैं तुझे वो चीज खिलाऊंगा जो तेरे वहमो गुमान से भी बाहर है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इसके दो दो तीन तीन इंफाके होते थे, जरा बराबर भी दिल में अल्लाह के खिलाफ लफ्जिश नहीं आती थी। उनके उस हाल में भी उनके जिस्म कमजोर होते थे, उनके कल्ब बड़े मजबूत होते थे। डर है कि दिले जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगी इबारत है तेरे जीने से। जब दिल मर जाता है, ये जिस्म में हयात रहकर भी बेकार है। ये वो लोग थे जिनके गुर्बत के बावजूद भी जो रज़ाकियत पर, अल्लाह के जात पर देने का जो यकीन है, उसके बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत को तकसीम करता था। मुतमईन रहते थे, जरा कोई चीज गुम हो जाए परेशान है। क्यों? हमें अपने हर शय की फिक्र है, बंदे को मौला की फिक्र छूट गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह सजी हुई थी, सहाबा इकराम की झुरमुट है, सारे सहाबा अस्हाबे सुफा सारे बैठे हुए, एक काफिर बारगाह है रिसालत में आता है, कैदी था, जो कैदी था, कैदियों को छोड़ दिया गया, बाहर चले गए, एक कैदी आता है और कहता है कोई मुझ भूखे पर रहम खाए, बड़ा भूखा हूं, कोई मेरे लिए इंतजाम करे। आकाए दो जहां के बारगाह में आए, हुजूर ने हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल जाओ अजवाज मुतहरात के घरों में पूछ कर आओ। एक नहीं, दो नहीं, 11 अजवाज के पास जाकर आ गए, किसी के घर में कोई खाने के लिए नहीं। आकाए दो जहां खामोश होकर कहने लगे, भाई ये हमारा मेहमान है, कोई है जो इसको आज की रोटी खिला दे, इसकी मेहमान नवाजी करने के लिए कोई तैयार है? सारे खामोश। क्यों सारे खामोश? दो दिन पर तो सब पर पाका है, सब खामोश बैठे हुए, क्या करें? फिर सरकार दो आलम ने ऐलान किया, दूसरी मर्तबा सहाबा खामोश, तीसरी मर्तबा फिर ऐलान किया, सलमान फारसी खड़े हो गए, उनका ठहरना था आकाए दो जहां, अपने सारे अकदस को नीचे कर लिए, भाई ये सारे तो आजाद लोग हैं, कोई आजाद नहीं ठहरा तो गुलाम ठहर गया। सरकारे दो आलम ने ये मुलाहजा फरमाया कि सलमान ये तो गुलाम है, अब ये कहां लेके जाएंगे, इनका तो घर भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया, सलमान तुम क्या इसकी मेहमान करोगे? तुम्हारे पास कुछ है, कुछ रखते हो अपने पास? तो सलमान फारिसी ने फरमाया, या रसूलल्लाह अपने पास तो कुछ नहीं रखता, मगर एक ऐसे घर का पता रखता हूं
कि उस घर पे जाने के बाद ये भूखा नहीं लौटेगा। एक घर के पास, मेरे पास कुछ नहीं है मगर कुछ घरों का पता रखता हूं। ये कहा, ये कहकर या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत मरहमत फरमाए, मैं इस मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहता हूं। लेकर गए आखाए दो जहां ने बिलाल को कहा कि बिलाल जाओ सलमान के साथ, वो किस घर को जा रहा है, उसके नजर में वो कौन सा घर है जिसके एतमाद पर उसने इस मेहमान को ले गया है। हजरत बिलाल जब गए जाकर देखकर वापस आए तो हजरत बिलाल जारो खतार रो रहे थे और आपकी हिचकी बंद हो गई। सरकार दो आलम पूछ रहे हैं कि बिलाल बताओ कि वो सलमान किस घर को गए हैं। हजरत बिलाल के बोलने की भी ताब नहीं है। जब हिचकी थम गई तो फिर कहा या रसूलल्लाह, गजब हो गया, सलमान तो उस घर को ले गए हैं जिस घर में सबसे ज्यादा फाका हुआ करता है, वो सैयद कायनात फातिमा जहरा के घर ले गए हैं। वो यही कहते कि इस घर को जाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता, वहां नहीं का सवाल नहीं है। वो भला वो दो दिन के भूखे क्यों ना हो, वो भला तीन दिन के भूखे क्यों ना हो, उनके घर का बच्चा बच्चा भूख में हो, मगर उसके बावजूद भी उस घर का आने वाला, उस घर पर भीख का सवाल करने वाला खाली हाथ नहीं जाता। ये अल्लाह की सुन्नत है। क्यों? वहां से खाली हाथ जाएगा तो फिर उसके हाथ को कायनात में कोई भर नहीं सकता। यही तो वो दर है। सलमान फारसी दरवाजे पर पहुंचे, बाज मखसूस साहबा थे जिनको अहले बैत अतहार के घर जाने की इजाजत थी, उसमें अबू जर, हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल और इमरान बिन हुसैन, ये चार पांच साहबा थे जिनको अहले बैत के घरों में जाने की इजाजत थी। तो फिर दरवाजे पर दस्तक दिया और कहने लगे, खातून जन्नत से कहने लगे, ऐ माँ, सरकार द्वारम के बारगाह में एक फकीर साइल आया है, उसको खिलाने वाला कोई नहीं था। हुजूर ने बारहा ऐलान किया मगर किस सारे अस्हाबे सफा थे, सब पर तो दो तीन दिन का फाका था, मैंने ये ख्याल करके तुम्हारे दर पे लाया हूं कि यहां से तो ये खाली न जाएगा। अंदर से आवाज आई, सलमान तुम्हारा ख्याल तो बराबर है मगर हमारा भी हाल तो देखो, वहां के बैठे हुए और ये फकीर दो दिन का भूखा है, हमारा घर का बच्चा भी हसन और हुसैन भी तीन दिन के भूखे हैं, क्या बात हो रही है, कुछ शिकवा है, कुछ शिकायत है, जरा खाने को नहीं मिला, जरा पैसे कम पड़ गए, ये काम करना था मिलते थे मुझे। फौरन नजर मखलूक पे गई, ये काम नहीं करा इसलिए मैं फाके से हूं, जरा मुफलिसी देखे। आखाए दो जहानी जिंदगी को पसंद किया है, हुजूर पाक की जिंदगी को पूछा गया कि भाई सीरत रसूल बहुत लंबी चौड़ी है, मुख्तसर में बयान करो। वुलिद यतीमन, तीन जुमले, वुलिद यतीमन वाशा फकीरन व माता मिस्कीनन, पैदा हुए यतीम पैदा हुए, क्या जरूरत थी यतीम पैदा होने की, क्या जरूरत थी यतीम पैदा होने की, जिंदगी सारी फकीरी, ये इख्तियारी फख्र था, अल फकर फखरी, ये फख्र जो इख्तियार किया हूं ये मेरा सरमाया, ये फख्र है, मैं इस पर फख्र करता हूं। अरे सारे आलमीन का परवरदिगार है, सिर्फ खाना ये, इससे हम रब को पहचानते हैं, खाने से हमें रब मिल रहा है, रब की पहचान हो रही है, तो वहां तो खाना नहीं था, दो तीन दिन तक, सात सात दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, वो रब को कैसे पाए थे। हमने रब को रिस्क में तलाश किया, रिस्क आया तो समझे कि रब है। साखा है जो जहां को अल्लाह कह रहा है, सहाबा इकराम कह रहे हैं कि महबूब सरकार आप दुआ तो फरमाइए, ये फाके कब तक रहेंगे, आप दुआ तो फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए दस्तरखान भेज देगा। तो क्या फरमाया, क्या फरमाया उम्मत के लिए, सरकार द्वारम फरमाते हैं, ऐ उमर तुमने सच कहा है, मैं चाहूंगा तो अल्लाह ताला मेरे बारगाह में उससे बेहतर दस्तरखान उतारेगा जो ईसा अलैहि सलाम के कौम पर उतारा था, मैं चाहूं तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस से दस्तरखान उतारेगा, मैं चाहूं लौ शीतु लसारतिल जिबालु माइया ज़हबन व फिद्दा, अगर मैं चाहूं तो ये ओहद के पहाड़ जो तुम्हें मिट्टी के पत्थर के नजर आ रहे हैं अल्लाह ताला सोना और चांदी बनाकर मेरे इर्द गिर्द ताबे बनाकर फिराएगा।
मगर बात क्या है, अरे उमर मैं तो खा लूंगा, मगर मेरी उम्मत को दर्द देना है रब कैसा होता है। रब वो है जो देता भी है तो रब है राजिक है, जो न भी दे तो बंदा उस पर कुर्बान रहता है। रुबूबियत के खिलाफ कोई जर्रा बराबर भी मुखालिफत नहीं आती, ये बंदे का अकीदा होना चाहिए। आखा है जो जहां भूखा मैं हूं तुम भी भूखा रहो, ये बता भूखे रहकर रुबूबियत की तरबियत दे रहे हैं, पेट भर के हम खाकर आराम से रहकर एसी में बैठकर हमें रब समझ में ना आए तो क्या बात है। वहां भूखे रहकर रुबूबियत की तरबियत हो रही है। अब ये सलमान फारसी कह रहे हैं कि माई इस उम्मीद पर आ गया हूं, मायूसी तो नहीं होगी। सईदा ने फरमाया, सलमान बात तुम्हारी सच्ची है, ठीक है मेरे घर में जो है वो दे देती हूं। घर में अगर टटोली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, घर में कोई शय नहीं है, अपने सर पर ओढ़नी थी, चादर थी, कहा कि दरवाजा खोला और चादर बाहर फेंक दी। कहने लगे सलमान ये एक चीज बाकी है, लेके जाओ कुछ काम आती होंगी, रोटी तो नहीं है, तुम जो उम्मीद रखे हो मैं भी वो उम्मीद रखी हूं। वो बाहर फेंक दी। अब एक दामनी जो चार जगह से फटी हुई थी वो लेकर निकले, अब इधर दरवाजा बंद की और अल्लाह के बारगाह में रुजू किया जो सरकार द्वारा ने रुजू होना सिखाया था। सजदा रेज होकर कहने लगी, मौला हमारी तो कोई हैसियत नहीं, हम तीन दिन से फाके हैं, हम शिकवा नहीं किया, अभी भी राजी है, मगर एक दुनिया अब तारीख लिखती है, लोग इस गुमान से इस दर पर आए हैं कि नबुवत का घराना है, तेरे महबूब की लाज रख ले, तेरे महबूब के निस्बत की लाज रख ले, उस निस्बत को लिहाज रख के ये मेरे घर आए हैं, मेरे पास जो था मैंने दे दी, अब जो तेरे पास है जो तू देना चाहता है वो अता फरमा। सजदा रेज है। उधर आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की इस बात को सुना कि वो फातिमा के घर गए हैं, अपने काली कमली से हाथ उठे और दुआ के लिए, ऐ अल्लाह लाज तेरे हाथ है, अब जो फैसला तेरे हक में मंजूर है। सलमान फारसी बाजार में गए कि इसको बेचकर लूं कौन लेगा, चादर कौन लेगा, हमारी ये नजरों को वो चादर समझ में नहीं आती। इस चादर के हमें समझाने के लिए आसमानी किताब का इल्म होना पड़ता है, ये चादर में भी वो असरार है। चादर ले गए और यहूदी के पास गए, दुकान के पास, कहने लगे यहूदी को पेश किए कि ये चादर है, कुछ मिलता हो तो दे दो। यहूदी कहने लगा कि भाई ये चादर बेचकर रोटी खरीदना ये कब से शुरू हो गया, ऐसी तो गुर्बत नहीं, तारीफ में कोई नहीं है। तो सलमान फारसी ने फरमाया कि ये इसको ऐ यहूदी मामूली चादर न समझ, ये दुनिया और आखिरत के सरमाए वाली है, ये शफात वाली है। वो यहूदी परेशान होकर कहने लगा कि क्या है आखिर इसमें, कहा कि ये हमारे नबी की दुख तरह नेक अख्तर की चादर है। वो यहूदी जब सुना तो एकाएक जमीन पर बैठ गया और उस चादर को खोल कर देखा, उस पर चार जगह से फटे हुए तो पेवन भी नहीं थे, फटके था। अंदर गया, तौरात को लाया, तौरात खोल कर देखा और वो जितना चाहा अपने पास से जौ गेहूं तोल तोल कर दे रहा था, वो तोल रहा था और रो भी रहा था, दे रहा था तो रो भी रहा था। सलमान ने कहा कि यहूदी क्या बात है, रोने की क्या बात है, ऐसी कोई चीज है? कहा क्या है सलमान, किस्मत तो किसी और के जग नहीं थे, मेरे ही किस्मत जा गए, मैं ये देखकर रो रहा हूं। हम तौरात में पढ़ते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा के घराने वाले ऐसे रहेंगे, उनके घर में तीन दिन का फाका भी हो तो जब उनके घर कोई तीन दिन का फाका भी हो अपने रब से कोई शिकायत नहीं करते, अपने रब पर उसके जात पर भरोसा ऐसा रहेगा कि तीन दिन के फाकों के बाद भी कोई साइल कोई भूखा उनके घर आए तो जिसके घर में तीन दिन का फाका हो ऐसे घर से भी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं आज देख रहा हूं कि ऐसा वक्त जब आ जाए तो अपनी फटी चादर को बेचकर रोटी खिलाएंगे, वो इतने सकी होंगे। मैं देख रहा था कि वो हिस्सा किसके इसमें जाएगा और वो चौरात में ये भी लिखा हुआ था कि ये चादर यहूदी के पास जाएगी। हम ये देख रहे थे कि वो खुशनसीब यहूदी कौन है जिसको चादर है फातिमा के सदते ईमान नसीब होगा।
ईमान नसीब होगा। वो ये देखकर कलिमा पढ़ लिया। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आकाए दो जहां का मेहमान आया और उसको इस तरह से नवाजा गया। ये मजबूत कल्ब थे जिनको मौला नजर में होता है, वो इस तरह के कारनामे कर जाते हैं। वहां हाजरा अली सर, ये सिंफ नाजुक औरतों के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं हमारे तारीख में, औरतों के। इसीलिए सरकार ने फरमाया, औरत अगर सुधर जाए वो घर जन्नत है। ये अगर सुधर जाए, उसकी फिक्र में अगर हम है। अब बात यह कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला क्या बगैर सबब के रिस्क दे सकता है या नहीं, ये फैसला ईमान का है। तिजारत करना नहीं करना, कितने सहाबा बड़े मालदार थे, बड़े ताजिर थे, वो थे, ये सारी बातें बरहक है, उसे कोई इनकार नहीं। अकीदे में हमारे क्या है, जब हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला खुद कहता है कि तिजारत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने तिजारत करने का हुक्म नहीं फरमाया। कुरान में एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने कसब का हुक्म दिया हो। यह फरमाया अगर तुम करना चाहो तो ऐसा करो। कुरान आप पढ़ कर सुनिए कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन। ये तिजारत का लफ्ज मस्दर इस्तेमाल हुआ, फेल नहीं है इसमें। क्या मतलब है, तुम तिजारत करना चाहो, कुछ कमाना चाहो तो ऐसा करो। या अच्छा, रसूलों को हुक्म दे रहा है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, ऐ रसूलों खाओ, पर कमाए नहीं तो खाने का लफ्ज कहां से आ गया। कमाना कमाओ फिर खाओ हो ना, ऐ रसूलों खाओ, खाओ का लफ्ज से शुरू किया, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, ऐ आदम के बेटो अच्छे लिबास पहनो, अच्छा खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारो, वकुलू वशरबू, अच्छा खाओ और पियो, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। ये गुफ्तगु शुरू कहां से हो रही है, तुम कमाओ का जिक्र अल्लाह ने नहीं फरमाया, खाओ का जिक्र फरमाया। कमा हम उससे पहले कुरान के पहले इजाफा कर दिए, कमाएंगे तो खाने का मसला है, पकाए नहीं खाना कैसा है। इसका जवाब अल्लाह दे रहा है कि नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, तुम्हारे सामने وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। तुम रिस्क हासिल करना चाहते हो तो तक्वा इख्तियार करो। रिस्क के लिए तक्वा इख्तियार करने का हुक्म दिया, मेहनत का हुक्म नहीं दिया। बात समझ में आने वाली नहीं है, कुरान का हुक्म है जिस पर हमारा ईमान है। इनकार नहीं है उस चीज का, तिजारत का, कारोबार का। बात यह है, अकीदा यह बतला रहा है अल्लाह तबारक व ताला, एक मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए कि मेरा रब जब मुझे रिस्क देना चाहे तो वो किसी शय का मोहताज नहीं है। अगर किसी सबब के जरिए से रिस्क हासिल होने का अकीदा हो जाए तो उसके अकीदे में वो सबब और वो तिजारत वो शय ही माबूद ठहर जाएगी और अल्लाह मजबूर हो जाएगा, मैं तिजारत नहीं करा तो मुझे रिस्क नहीं मिलेगा। समझने का मतलब यह है कि ये शय के बगैर, इस सूरत के बगैर अल्लाह रिस्क नहीं दे सकता। तो बताइए वो कौन सी सूरत थी जो हाजर अली सलाम को रिस्क मिला, जिसका सदका आज तक खा रहे हो, पानी बिगड़ता नहीं, खराब होता नहीं, उसमें शिफा भी है गिजा भी है, फी ही शिफा उन व गिजा उन, उसमें शिफा भी है गिजा भी है। अब आखिरी बात अर्ज करिए, खत्म कर दूंगा। अब अल्लाह उमन ये तवक्कल अल्लाह इन अल्लाह बालिग अमरिह इन अल्लाह, अब आखिरी बात फैसले की बात, इन अल्लाह बालिग अमरिह, अल्लाह फरमाता है बंदे जब तक्वा तवक्कुल ये दौलतें तुझे मिल जाए अगर, तो फिर मैं बालिग अमरिह मैं खुद आता हूं खिलाने के वास्ते, बालिग अमरिह मैं खुद आता हूं खिलाने के वास्ते। गौसे आजम इसके मिज़दाक थे कल रात, ये बात कल समझ में आई थी, बालिग अमरिह खाने नहीं खाए थे, मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक अल्लाह हाथ से ना खिलाए। अल्लाह के हाथ से खाने का इदराक मिल जाना ही ये बालिग उम्री है। अल्लाह खुद आकर जो खिलाता हूं, किसी शय की जरूरत नहीं, ये जो कहने की बात है ये इस बात के आयनादार है, जब वो खाता है तो ख्याल आता है मैं कमीना मोहताज मजबूर इस काबिल हूं कि मेरे मौला के नजरों में था। रिस्क मिलता भी है ना मिलता भी है, शुक्र इस बात पर करे कि हम मौला की नजरों में, मैं कुछ ना होकर भी उनकी निगाह में रहता हूं, मैं कुछ ना होकर भी उनकी निगाह में रहता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछा हुआ था, सारों को अच्छी रोटी और अच्छा सालन मिल गया, आपको सड़ी हुई रोटी सड़ा हुआ सालन मिला। दिल में ख्याल आ गया
कि अल्लाह ने सारे फौज को उम्मत को तो साफ खाना साफ सालन दिया, मेरे लिए सड़ा हुआ है। आती वही आ गई, अय दाऊद तुम रिस्क को देख रहे हो, नजर रिस्क पर है, राजी को भूल गए। अय दाऊद इस बात पर खुश हो जाओ, क्या तुम्हारे खुश होने के लिए यह बात काफी नहीं, जब मैं रिस्क तकसीम कर रहा था तुम इस बात पर शुक्र करो कि मैं तुमको भूला नहीं, तुम्हें याद रखा था, इसलिए सड़ा हुआ दिया। सड़ा हुआ मिला भी सही, मैं तुम्हें भूला नहीं, उसके सदके जाओ, उस बात के सदके जाओ। हम गए नहीं कहीं, अल्लाह के इल्म में है। फी अनफुसिकुम, कहा समझ में नहीं आती, अपने अंदर देख लो कहां हूं मैं, इसके पते देर दिए जा रहे थे, हम देख नहीं सकते, फिर जो नजर आ रही हो किसकी है, मौला को यही देख लो, हम सुन नहीं सकते, भी समाज जो हमारे सामने इदराक हो रहा है मौला का है। ये इदराक नसीब अगर हो जाए मुसलमान को, बस उसकी जिंदगी मजे की होती है। हमें मजा दुनिया में है, हमें मजा कारोबार में है, पैसे पर नोट पकड़े 2000 की, दिल में क्या कैफियत हो गई हमारी, कैफियत बदली नहीं बदली, अगर बदली है तो ईमान में खलल है। देखते ही मुसलमान ये समझता है कि ये मेरे लिए न नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। कारोबार पे फुल ताजिर आ गए, ताजिर आ गए, समझिए कि भाई आज का कारोबार तो बड़ा कामयाब है, वो तो ये देखता है, मोमिन तो ये देखता है कि इसको भेजने वाला कौन था, उसको मेरा ख्याल था इसलिए मेरे पास भेजा। वो मौला के नजर में रखता है, वो मौला के नजर में रहता है, मौला को भी अपने नजर में रखता है, ये उसकी शान है। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस पुरफितन माहौल में ये चीजें समझाई है। जमात कौन सी भी हो, ये अकीदे में आज लोग फंसे हुए हैं। ताजी तिजारत करे हर काम, मगर मोमिन का अकीदा ये होना चाहिए, ये चले ना चले मैं मेरे रब के हाथ से खाऊंगा। ये फैजान है, गौसे आजम है, वो शख्स मुतमईन रहता है, वो फटे कपड़े पहनकर मुतमईन होता है। आज मुसलमान सरकार दो आलम की पेशन गोई सादिक आ रही है। सरकार ने फरमाया लोगों आज मेरी उम्मत पर वो दौर है, जब फरमा रहे हैं असहाबे सुफा का जो दौर था, उम्मत का ये दौर है कि 3 दिन तक फाके होने के बावजूद भी रब पर ऐसा भरोसा है कि फरिश्ते उनकी मदद के लिए उतरते हैं। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा उनके पास 10-10 साल का रेशन और रिस्क उनके पास जमा रहेगा, मगर उनके दिल में राई के दाने के बराबर भी अल्लाह के रब होने का यकीन नहीं होगा। कुछ 3 दिन का फाका है, अल्लाह रब कैसा है समझ में आ गया। अब यहां पर 10-10 साल हमारे 2-3 नस्ल तक हमारे पास बहुत कुछ रसद जमा है, मैं मेरे लिए ये, मेरे बच्चे के लिए ये, बच्चों के लिए ये, 2-3 नस्ल तक जमा करके रख दिए, उनके लिए इनके लिए, ना हमारे लिए रब है ना हमारे नस्लों के लिए भी रब नहीं है। वो तो कह रहा है कि रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अव्वलीन, मैं तुम्हारा भी रब हूं, फिक्र ना करो, तुम्हारे औलाद का भी हूं, तुम्हारे आबा व अजदाद का हूं, तुम्हारे बाप दादा का भी था, तुम्हारा भी होगा, उसका भी रहूंगा। यकीन कामिल की जरूरत है, इस बात पर अगर अड़ जाए हर काम करे मोमिन मुतमईन रहता है। बच्चा जब बाप के हाथ में उंगली दे देता है तो वह जमीन पर नहीं चलता, वो उछकता हुआ चलता है, उसके खुशी की हद नहीं रहती। अब उसको ये बात दिल में बैठ जाती है कि मेरे बाप के हाथ में मेरा हाथ है, ये मर सकता है, ये कट सकता है, जो धोखा दे सकता है, इसके हाथ से वो हाथ, वो खुद हाथ छोड़ दे सकता है। अरे हमारा हाथ बंदे का हाथ, मौला का हाथ, अब्दो रब का राबता ही ये है कि बंदे का हाथ उससे कई दर्जे कई शान बढ़ के मौला के हाथ में है, जिस तरह एक औलाद एक बेटे का हाथ बाप के हाथ में है। क्या हमने मौला को बाप से भी कमतर समझा है? छोटे बच्चों को अल्लाह ताला इसलिए दे रहा है, बीवियों को इसे दे रहा है कि मेरी मारिफत समझो मैं कैसा हूं। एक बच्चे से सीखो जिसके पास शऊर नहीं है, आकिल नहीं है, अकल आ गई तो पागल हो गए। अकल आने से पहले होशियार थे, मजबूर का कमजोर का हाथ पकड़ के अकड़ के चलते थे। अब अकल जब आ गई, आकिल हो गए, बाली हो गए, तो मुख्तार और मालिक का हाथ पकड़ने के बाद भी दिल में खुशी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला को यकीन की आज जरूरत अपने बंदों के अंदर अल्लाह चाहता है। यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, सुन ए दौर हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बे यकीनी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कहते हैं सुनते हैं अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे शेख को दोनों आलम में मुमताज और मुआज्जज और मुकर्रम फरमाए, जो नस्बत है तूने अपने फजल और करम से ताकि इस्तेहामत अता फरमाए।
हमारे शेख को सेहत आजीला कामिला मुस्तमर आता आपका साया तादेर हम पर सलामत रखें। तो यह वास्ता है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।